नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और मैं हूँ राज आर्यन, है ना, आपका दोस्त। मिलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या, इसके बारे में ही हमारा पूरा का पूरा स्टडी अभी का है, ठीक है। इसके थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्स हैं और कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मोटा बातें भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं आखिर ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़े हो ना हम लोग, बचपन से पढ़ते आए हैं सर, यही तो था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि जी से डिनोट करते थे, यही है वो ग्रेविटेशनल फील्ड। दोनों में कोई फर्क नहीं। न्यूटन ने कहा कि अगर कोई मास है, ध्यान समझना है, एम, ये कैपिटल एम है। न्यूटन ने कहा अगर कोई एक पॉइंट मास है तो अपने चारों तरफ में से एक छोटा सा पॉइंट, मैं एक छोटा सा एक बात समझ लेना यहाँ पर, तभी समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। यहाँ पर मैंने एक मास एम रख दिया, या हम इसको एम जीरो कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या न्यूटन ने बोला कि ये मास इसको अपनी अपने तरफ खींच लेगा, है ना। इधर कितना फोर्स से खींचेगा, उसका वैल्यू इसने बताया जी, नहीं, ये मास बाय ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर, है ना। मान लेते हैं यहाँ से तक का डिस्टेंस है आर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर का होल स्क्वायर, ये ना था। उसने कहा अगर इस स्फेयर के चारों तरफ, जबकि इसका रेडियस आर हो, तो यहाँ पर मैं एक और मास रख देता हूँ, सपोज कर लेते हैं 1 kg का एक मास रख दिए, तो भी एक फोर्स लगेगा टूअर्ड दिस साइड, क्योंकि हम लोग पढ़े ये सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर लगता है ना, इधर से इधर की तरफ। तो ये फोर्स हो गया हमारे पास जी कैपिटल एम, ये वाला, और ये 1/r का स्क्वायर, आ रही बात समझ में, है ना। यहां पर भी अगर मैं 20 kg का एक मास रख दूं तो ये इधर की तरफ खींचेगा, है ना, ये मास इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। दैट फोर्स इज गिवन एज जी कैपिटल एम इंटू 20 kg बाई आर का होल स्क्वायर, दैट्स वेरी इजी। ये पूरे स्फेयर के बारे में बात हो सकती है। मास ने क्या किया, आर रेडियस के चारों तरफ एक मास यहाँ पर है, उससे मैं आर रेडियस पर चारों तरफ कहीं पर भी फोर्स ऑब्जर्व कर सकता हूँ, अगर मैं उसके चारों तरफ एक कुछ भी मास रख दूँ। एक और चीज़ हम देखेंगे, एक फैक्टर बार बार आ रहा है इस पूरे के पूरे स्फेरिकल सरफेस पर, स्फेयर समझ में आ रहा है ना, ये मास से आर डिस्टेंस पर हर जगह एक स्फेयर बन सकता है, इस तरह का, है ना, जो अभी मैंने ये 2-3 पॉइंट्स लिए हैं। एक फैक्टर जो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला ये हर जगह है, सिर्फ 1m और 20 चेंज हुआ है, वो भी मैंने मास को चेंज किया था। तो इसका मतलब हम इसी चीज़ को, छोटे से चीज़ को हम कह रहे हैं स्मॉल जी इंटू 1, हम इसको कह रहे हैं स्मॉल जी इंटू एम और स्मॉल जी इंटू 20। ये जी जो है, यही है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस मास। जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड जी कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू कैपिटल एम मास। इस मास के कारण हर जगह पे देखो, तो ये किसके बिल्कुल क्या है, जी तो कांस्टेंट है, ये मास एम इसका है, डिस्टेंस आर इसी से है, तो इसी के कारण ना हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इसके कारण है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बस एक ऐसा समझ लो कि किसी को नहीं बोलते, वो कुछ लोग बोलते हैं ये मेरा इलाका है, आ जाओ मेरे इलाके में, तो वही वाली बात हो रही है, ये अपना इलाका बता रहा है, तो कितना बड़ा इसका इलाका है, नहीं बोलते कुछ लोग, सोफिस्टिकेटेड एंड वेल मैनर्ड पर्सन सेज दैट,
ठीक है, तो यहां पर इसका इलाका है इतना, है ना, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। एकदम आसान हो गया। तो हम ये बस इसको अगर डेफिनेशन में लिखना है, द रीजन अराउंड द मास वेयर एनी टेस्ट मास या फिर एनी मास ऑफ एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शनल ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। हम ऐसे ही लिखते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में, द रीजन अराउंड द मास वेयर एनी पॉइंट मास एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल, ग्रे भी क्या हो रहा है मेरे के साथ आज, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। एकदम आसान हो गया, है ना, इसी को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। दैट्स वेरी वेरी इजी। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड का, जी एम बाई आर का स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं ना। तो न्यूटन ने क्या कहा कि अगर मैं एक छोटा सा मास ले लूं यहां पर, कोई एम मास, तो इससे किसी इस पॉइंट पर किसी आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू हो जाएगा जी स्मॉल एम बाय आर का स्क्वायर, है ना। तो इसका यूनिट वगैरह भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम इसका यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जी बराबर होता है जी एम बाई आर का स्क्वायर। अरे ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका यूनिट क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नहीं, और इसका डायमेंशन भी तो हम लोग लिख सकते हैं फटाक से, डायमेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। आ रही बात समझ में, डायमेंशन हो गया। अगर मैं फोर्स जन निकालना चाहूँ, है ना, किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकालना चाहूँ, यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, ये ना था फोर्स, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई आर का स्क्वायर, है ना। तो फोर्स कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम बाय आर का स्क्वायर इंटू एम, यही है ना, इसी को तो जी बोल रहे हैं। तो क्या हो गया, एम इंटू, ओ माई गॉड, यही तो था सर, वेट, आ गया समझ में, वेट क्या था, यही तो है, फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय दिस मास बिकॉज ऑफ दिस मास। अब ये वेट अर्थ के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर तो हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नाइन्थ में तो पढ़ नहीं रहे, तो हमें थोड़े ब्रॉडली सोचने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में, आ तक कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलो ठीक है, कुछ सवालों को देखते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, है ना, लुल्लू पुंचू वाला। एक छोटा सा मास है 20 kg का, बोल रहा है 10 m के डिस्टेंस पर फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू, जी एम बाई आर का स्क्वायर, जी का वैल्यू जी ही रहने देते हैं, 20 बाय 10 10 10 10 10 10 10, मतलब 2/5 जी अपॉन 5 m पर सेकेंड का स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। आ रही बात समझ में ना, जी का वैल्यू पता है 6.67 वगैरह पुट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सवालों को लेते हैं, पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। तो इस सवाल में है कि पता करना है हमको ग्रेविटेशनल फील्ड एट ओ, इस पोजीशन पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम एक छोटा सा काम करते हैं, ये मास के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, सिर्फ इसके कारण बात कर रहे हैं, इस वाले कारण यहाँ पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अच्छा एक चीज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये मास के कारण किधर की तरफ होगा, मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1 kg का मास रख दूँ, तो नहीं रखना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर रख दिए हैं तो फोर्स इस पर इधर की तरफ लगेगा, ये मास इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा और ये मास इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा। अच्छा दोनों मास सेम है क्या,
और ये डिस्टेंस डी दिया हुआ है तो कह सकते हैं ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो जाएगा, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगा हमारा डी बाई टू और ये भी डी बाई टू, तो ये लेंथ सेम मास सेम, तो ये जितना फोर्स इधर लाया उतना ही फोर्स इधर लाया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो नेट तो सिर्फ इधर ही बचेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जी के बारे में बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये लेंथ कितना हो जाएगा क्योंकि ये एंगल अगर अगर हमारा 60 डिग्री है तो डी का कॉस 60 डी का साइन 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे आराम से जी इसका मास एम बाय यहाँ का मास वन बाय ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा डी साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। एन होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वन अगर हटा दें तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी एम बाई यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो क्या हो गया यहां से आंसर जी एम डी रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, यहां से हो गया फोर जी एम बाय थ्री डी का होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है इसको सॉल्व करो। और अब छोटे छोटे सवाल तो बना लिए, अच्छे सवाल बनाते हैं। तो अभी कह रहे हैं यहाँ पर कि एक रिंग है जो मैसिव रिंग है जिसका मास है टोटल मास m, और इस रिंग के कारण यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड पता करनी है ना। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मास है कैसा, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो g बराबर जी डी एम बाई आर का स्क्वायर है। अब ये मास जो है यहाँ पर ये छोटा सा मास था इसके कारण यहाँ पर हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड, बट ये मैसिव है और बहुत बड़ा है और यहां पर निकालना है हमको, क्या कर सकते हैं एक काम कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, दिक्कत सिर्फ इतना है ना छोटा मास चाहिए, हमने छोटा छोटा मास कर लिया इसको है ना, एकदम छोटा सा मास मैंने तोड़ लिया, इसका मास हो कर दिया डी एम है ना, उसके कारण यहां पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड पता करना है। मान लेते हैं एंगल हो जाएगा थेटा, तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड किधर बनेगा इधर की तरफ, जिसको कह देते हैं डी जी, कितना कह दिया डी जी, तो डी जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे ऐसे वाले और एक ऐसे वाले, इधर वाला हो जाएगा हमारा डी जी का कॉस थीटा, इधर हो जाएगा डी जी का साइन थीटा। अब ये डी जी इधर इधर वाले छोटे से मास के कारण भी बात कर सकते हैं, डी जी इधर बनेगा उसका कॉस वाला कंपोनेंट इधर और साइन वाला इधर बनेगा, तो कॉस वाला ऐड होते जाएगा और साइन वाला नेग्लेक्ट होते जाएगा क्योंकि ये वाला नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको इरेज कर सकते हैं, अभी रहने देना है कॉपी में। तो डी जी साइन थीटा कैंसिल हो गया है, तो नेट जो फील्ड बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डी जी कॉस थीटा के कारण बनेगा, तो जी जो बनेगा जी नेट जो होगा वो होगा डी जी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, नेट मतलब जोड़ना पड़ेगा, डी जी का कॉस थीटा को जोड़ना पड़ेगा। तो डी जी क्या था हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर डी जी का वैल्यू, तो डी जी क्या था इधर वाला था ना डी जी, दिख रहा नहीं इधर की तरफ है, तो डी जी इसके कारण बना था, तो लिख देते हैं जी इसका मास का नाम है डी एम अब बाई ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है अगर ये आर है और ये एक्स है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पर पावर होल स्क्वायर। अरे बस मुझे तो यहाँ से हो गया हमारे पास जी डी एम बाई आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब जो ये चीज कॉमन है निकाल लो, जी कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है कि नहीं है थोड़ा देख लेते हैं, एंगल हमारा हर जगह के लिए अगर मैं यहाँ के लिए बात करूँगा एंगल अगर अगेन ये बनेगा थीटा ही बनेगा तो कॉस थीटा बाहर आ गया, नीचे से ये वाला भी चीज़ हमारा बाहर आ ही सकता आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा इंटीग्रल ऑफ डी एम, तो जी कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स बाय दिस वन बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है एक्स बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला आ गया यहाँ से आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, और डी एम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो मास एम है ये पूरा रिंग का मास दिया हुआ है क्या है ना, तो छोटा छोटा डी एम को जोड़ेंगे तो टोटल मास मिल जाएगा, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी एम, तो जी कितना आया यहाँ पर जी एम एक्स बाई आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पावर वन, यहाँ पर हाफ है तो वन और हाफ को ऐड करेंगे तो थ्री बाय टू आ जाएगा, तो
तो ये याद कर लेना है यहाँ पर कि जी एम एक्स बाय आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर होता है। अब इसमें अगर हम कुछ केस के बारे में बात करते हैं, केस नंबर वन, एट सेंटर पर अगर हमको निकालना है तो सेंटर के लिए हम लिख देंगे एक्स का वैल्यू जीरो। अगर हम एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो जी एट सेंटर कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, इंटायर टर्म को जीरो, तो ये हो गया जीरो, एकदम आसान है ना। फिर केस टू के बारे में बात करते हैं, पहले इसको कॉपी कर लो, कुछ दिक्कत है वैसे, कुछ तो बहुत बड़ा बवंडर तो किया नहीं है, ऐसा काम हम लोग सेंटर ऑफ मास रोटेशन में करते आए हैं, लेकिन ना पहली बार कुछ नया मिला है, एक रिंग है, उस रिंग के कारण किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते ऐसे ही रिंग है ना, तो अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो यहाँ हवा में, देखो हवा में रिंग है, रिंग के कारण सेंटर से ये कुछ डिस्टेंस पर हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इससे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इस वाले छोटे से मास के कारण यहाँ पर निकालेंगे, फिर इधर के मास के कारण यहाँ पर निकालेंगे, इधर के मास के कारण यहाँ निकालेंगे, इधर के मास के कारण निकालेंगे, है ना, हर किसी कारण ऐसे। तो नेट फील्ड इधर लगा, है ना, नेट फील्ड इधर बन गया। अरे बस समझे, चलो ठीक, कॉपी करो। अब बात करते हैं केस टू का, इसी में केस टू का हम निकालना चाहते हैं, ई फील्ड कब मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, ई फील्ड जो जी फील्ड है ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, ये निकालना है हमको। तो हमको पता है स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम एक्स बाई आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2। एकदम याद कर लो इस फॉर्मूले को, है ना। तो पहले बोल रहे हैं जी मैक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जीरो कर देंगे। मैक्सिमम इनमा हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, आज भी आ ही गया, तो क्या निकालेंगे, तो डी जी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको जीरो कर देना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको ये जो पूरा टर्म है, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, डी बाय डी एक्स ऑफ जी एम एक्स, और नीचे वाला टर्म को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर रेस टू दिवा माइनस में 3/2, है ना, इसी को डिफ्रेंशिएट कर देना है ना। अब ये जो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा ना, ये ना पूछ रहा है, ओके। अब ये जी एम हमारा कांस्टेंट है, इसको पकड़ के बाहर निकाल दो आराम से, तो यहाँ से हो गया जी एम बाहर आ गया। अब एक्स और ये वाला टर्म प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का कैसे डिफ्रेंशिएट निकालते हैं, यू इंटू बी का डिफ्रेंशिएट कैसे कर देते हैं, यू इंटू बी का डिफ्रेंशिएशन प्लस में भी इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन, तो ऐसे करना पड़ेगा, पहले हमको एक्स बाहर निकालना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एन एक्स एन माइनस वन हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, आरे बस होंगे माइनस 3/2 माइनस में 1, आरे बस होंगे ना यहाँ तक, प्लस सॉरी इंटू, फिर अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अंदर वाले क्या करेंगे, आर का स्क्वायर 0, एक्स का स्क्वायर का 2x, अभी सिर्फ x बाहर था इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, फिर प्लस करेंगे इंटायर टर्म लाइक दिस। अब इसको 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 सबको बाहर निकालते हैं, जी एम आर का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर पर पावर माइनस में 3/2 बाहर आ गया, और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा 1, बराबर हो गया 0, एकदम आसान है। हाँ आसान है, आसान है ये चीज़, इस ये निगेटिव में दिख रहा है ना हमको यहाँ पर, है ना, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव में मिलेगा, इन सबको हम उधर भेज देते हैं और इसको इधर ही रहने देते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा जी एम, और ये चीज़ में माइनस में 3/2 है, नीचे लेके आ सकते हैं यहाँ पर से, आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर 3/2 हो गया, इज गेटिंग एस, इन चीज़ों को हम उधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2x इंटू जी एम एक्स इंटू 3/2, अगेन ये बाय 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस 5/2 हो जाएगा, नहीं तो नीचे में ही लिख सकते हैं यहाँ से, आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पर पावर 5/2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास जी एम, जी एम कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आ रही बस में ना यहाँ पर। अब जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, ये कितना आ रहा है, 3/2 यहाँ पर दिख रहा है या 5/2 दिख रहा है, यहाँ 5/2 दिख रहा है ना, और यहाँ पर 3/2 दिख रहा है, कितना बचेगा,
फाइव बाई टू में से थ्री बाई टू सब्सट्रेट हो जाए, टू बाई टू यानी कि एक हिस्सा बचेगा इसका, है ना। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर से कितना बचा ऊपर में, थ्री एक्स का स्क्वायर बचा, थ्री एक्स का स्क्वायर, इधर तो कुछ नहीं बचा बाय, ये तो इधर से कट गया, तो बचेगा नीचे में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। अब इन चीज़ों को इधर भेज देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, फाइव बाय टू में से थ्री बाय टू सब्सट्रेट कर देंगे, तो फाइव में से टू चला गया, टू बाय टू वन हो गया ना, तो पावर तो वन ही बचेगा, तो यानी सिर्फ अकेला बचेगा, इधर से तो उसे कटा दिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय टू, एक्स इक्वल टू आर बाय रूट टू, यानी कि आर बाय रूट टू डिस्टेंस पर एक्स का ये जो फील्ड है हमारा जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या आएगा, कैसे आएगा, इतना कॉपी कर लो फिर अभी और आगे देख रहे हैं, है ना। तो क्या देखें अभी कि रिंग है, मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूं, है ना, तो यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पर इधर या इधर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कितना आया, जी एम एक्स बाय आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पर पावर थ्री बाय टू। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरह से आ रहा है, इसने पहले हम देखना सेंटर पर क्या निकला था, जीरो। अगर हम एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दें तो भी जीरो हो जाएगा, समझे ना, नीचे में स्क्वायर आ रहा था, इन्फिनिटी मैक्सिमम होते चला जाएगा नीचे वाला टर्म, और तो जी का वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो इधर भी जीरो, और कहीं कोई आर बाय टू रूट टू पोजिशन पर हमको जी का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है, तो कहीं यहाँ पर मैक्सिमम मिला, तो कुछ ग्राफ हमारा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर भी आर बाय रूट टू, इधर भी तो होगा, सिर्फ इधर ही थोड़ी ना होगा, आ रही बात समझ में, ये ग्राफ हमको कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी कि सेंटर पर भी जीरो, इन्फिनिटी पर भी जीरो, और इस जगह का हमको क्या मिला, ई का वैल्यू सॉरी जी का वैल्यू मैक्सिमम। सांस रुक गया, नहीं चलो ठीक है कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। टिक 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 टिक, अभी एक ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रॉड, एक छोटा सा रॉड है उसके कारण यहाँ पर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए बोला गया है, तो हम क्या करेंगे अगेन, ये बहुत बड़ा सा रॉड है उसके कारण यहाँ पर नहीं निकाल सकते हम, वो छोटा सा फॉर्मूला से हमको यहाँ पर एक छोटा सा मास तोड़ना पड़ेगा जिसको हम कह देंगे डीएम मास, है ना। तो ये लो हमने एक डीएम मास तोड़ लिया, अरे बस समझे ना, तो डीएम मास हमने तोड़ लिया, उससे इसका डिस्टेंस हम कह रहे हैं कोई एक्स, यहाँ से तक का डिस्टेंस हो गया एक्स, अरे बस समझे इस पॉइंट का, और इसका जो विड्थ है हम इसको कह रहे हैं dx, है ना, इस छोटे से मास का विड्थ हो गया dx। अब हम एक छोटा सा बात कर लेते हैं कि मास का वैल्यू है कितना, ये dm का वैल्यू है कितना, क्योंकि हम पूरे के पूरे मास पर, मास में पूरा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो dm आएगा ये आएगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ इंटू dx, है ना, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx का वैल्यू, ये हो गया dm। तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, छोटा सा कह देंगे dg, है ना, dg का वैल्यू कितना हो जाएगा, g छोटा सा मास, अब भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x का होल स्क्वायर, तो g dm के जगह पे m बाय l इंटू dx बाय होल x का स्क्वायर, ये हो गया dg। तो हमको g अगर हमको निकालना है तो क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, तो g m बाय l, है ना, x का स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, x पावर माइनस में 2 इंटू dx हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे x का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ से अगर मैंने पीस काटना स्टार्ट किया होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा r बढ़ते बढ़ते r प्लस l, है ना, तो r टू r प्लस में l तक चला जाएगा, तो g का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से gm बाई l तो बाहर आ गया, x और माइनस में 2 के जगह क्या लिखेंगे, x और माइनस में 2 प्लस 1 बाय माइनस में 2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, r से लेकर के r प्लस में l तक, है ना, l यहाँ पर कैपिटल l लिखा हुआ है तो कैपिटल l ही रखेंगे, तो यहाँ से हो गया माइनस में 1, यहाँ पर ही माइनस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, जी एम बाई एल
इंटू माइनस में वन बाय एक्स, है ना, माइनस वन हो जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, आर से लेकर के आर प्लस में एल तक अपर लिमिट पुट करेंगे या लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स की जगह पे आर प्लस में एल पुट कर देंगे, फिर माइनस में वन बाय आर पुट करना पड़ेगा, तो हमको जो रिजल्ट मिल रहा है जी एम बाय एल वन बाय आर माइनस में वन बाय आर प्लस में एल, दैट्स योर आंसर, है ना। कॉपी कर लो फिर देखते हैं आगे। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो कल भी हम लोग एकदम सेम चीज पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, एकदम सेम डेटा चल रहा है, उसके भी कुछ सवालों में हम लोगों ने ऐसी ही चीजों को देखा था, है ना। मान लेते हैं ये आर्क है जिसका एंगल है अल्फा और इसका टोटल मास दिया हुआ एम, तो कैसे निकाले थे याद करो, है ना, छोटे छोटे मास को हमने तोड़ लिया था, है ना, ये डिस्टेंस हमारा आर था, तो मैंने एक छोटा सा मास तोड़ लिया था, इसका नाम दिया हुआ था डी एम, ये जो लेंथ था इसको हम कह दिए थे आर डी थीटा, है ना, क्योंकि इसने यहाँ पर एंगल बनाया हुआ था कोई छोटा सा एंगल डी थीटा, और ये हो गया हमारा थेटा एंगल यहाँ से। अब उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू किधर की तरफ हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ लगेगा, इसका नाम हो जाएगा डी जी, है ना, कितना हो जाएगा डी जी। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डी जी का कॉस थीटा, डी जी का साइन थीटा, अगर उस पॉइंट पर देखें डी जी ऐसे जो बन रहा है उसके एक कंपोनेंट इधर बनेंगे और एक कंपोनेंट इधर बन जाएंगे क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा डी जी का कॉस थीटा और ये हो गया डी जी का साइन थीटा। अब अगेन इधर वाले पॉइंट के कारण डी जी साइन थीटा हमारा इधर बन जाएगा तो वो इधर वाले को कैंसिल कर देगा, सिर्फ बचेगा डी जी का कॉस थीटा, सिर्फ इसी को जोड़ देना है, तो जी जो नेट मिलेगा वो इंटीग्रल ऑफ डी जी का कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम देखें डी जी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो जी डी एम बाई ये डिस्टेंस आर है यानी आर का स्क्वायर, है ना, जी एम बाई आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जी बाय आर का स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब हमको निकालना पड़ेगा डी एम, डी एम क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना, तो टोटल लेंथ हम बोलते हैं आर इंटू अल्फा हो जाएगा, तो डी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटा सा मास यानी कंप्लीट मास बाय कंप्लीट लेंथ इंटू दिस लेंथ आर डी थीटा, तो यहाँ से हो गया हमारे पास आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है तो एम डी थीटा बाई अल्फा इंटू कॉस थीटा, जो जो चीज़ कॉन्स्टेंट है पकड़ के बाहर निकाल लो, है ना, बाकी इंटीग्रेट करना ही हमको, तो जी एम बाय आर स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया, अंदर में बच रहा है कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेशन के लिए हमको लिमिट भी लगाने पड़ेंगे, तो थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर के अल्फा बाय टू तक करेंगे, जीरो से अल्फा बाय टू तक, ये हो गया जी एम बाय आर स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, जीरो से अल्फा बाय टू तक, तो ये निकल करके आया था जी एम बाय आर स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू, याद है कल हम लोग जो फॉर्मूला निकाले थे वो भी एकदम सेम आया था, यहाँ पर एक मास आ गया था, सिर्फ एक एम मास आ गया था, है ना, तो होता भी है ना, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब जी के जगह पे इसको पुट करोगे देखे एम तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है, कल का ही चीज़ चल रहा है ना, तो ठीक है कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेयर। बस छोटा सा दिमाग रखना है यहाँ पर कि हम इसको कैसे लगा रहे हैं, छोटा सा दिमाग, ओके, ये टोटल रेडियस हो गया आर, कंप्लीट मास दिया हुआ एम। जब ये सवाल है कि हॉलो स्फेयर है ना, हॉलो स्फेरिकल मास है यहाँ पर, कंप्लीट मास है एम,
तो सवाल है कि कहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है हमको, अंदर में या सरफेस पर या फिर यहाँ पर, तीनों जगह है ना, एक एक जगह पे निकालते हैं। पहले इनसाइड पर, जी इनसाइड की बात करते हैं है ना, यहाँ पर। अब एक बात समझ लेते हैं, इस पर ये वाला मास है ना, यहाँ पर बात कर रहे हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको देखना है कि जहाँ पर मास रखेंगे, जहाँ पर भी मास रखेंगे है ना, एक छोटा सा मास हमने ये रख दिया यहाँ पर, ऐसे ही जनरल सा कंडीशन के हिसाब से नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ से एक स्फेयर एज्यूम करेंगे और उसके अंदर में देखेंगे कोई मास है कि नहीं है, उसके अंदर में देखेंगे कोई मास है कि नहीं है, क्या कोई मास है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो अंदर में हमको ग्रेविटेशनल फील्ड मिला जीरो। अगर हम बाहर की तरफ देखें तो यहाँ पर से भी हम एक स्फेयर एज्यूम कर सकते हैं आउटसाइड, तो अंदर में हमको कितना मास मिला, टोटल मास एम, और यहाँ से मैं इसका डिस्टेंस ले लेता हूँ आर। तो ये जो मास है पूरा का पूरा, ये जो मास है पूरा का पूरा, ये बिहेव करेगा लाइक अ पॉइंट मास यहाँ पर। अरे बस समझ में, तो जी आउटसाइड कितना आ जाएगा, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। तो टोटल मास पॉइंटेड लाइक दिस एट सेंटर, टोटल मास एम, और यहाँ से यहाँ तक कंडीशन आर हो गया, तो कितना हो जाएगा, जी एम बाई आर का स्क्वायर है ना। ये बिहेव करता है लाइक अ पॉइंट मास, है तो नहीं पॉइंट मास बट बिहेव लाइक अ पॉइंट मास, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा दिए ओके। और अगर हमको जी एट सरफेस अगर पूछ दिया, जी एट सरफेस अगर पूछ दिया, तो यहाँ पर अगर पूछ दिया तो रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, तो हम लिख देंगे जी एम बाय आर का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, तो चलो ठीक है, इसके वेरिएशन पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये किस तरह से चेंज कर रहा होगा। सेंटर पर, क्योंकि अंदर में ही ग्रेविटेशनल फील्ड अगर जीरो है तो हर जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड तो जीरो ही होगा, तो यहां से यहां तक जीरो फील्ड है। सडनली आर पोजिशन पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमको मिला मैक्सिमम, जिसका वैल्यू है जी एम बाई आर का स्क्वायर, और उसके बाद आर बढ़ते जाएगा तो जी घटते जाएगा, तो ये हमारा ग्राफ ऐसा आ जाएगा वन बाय आर का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है ना। तो अंदर में कोई फील्ड नहीं, बाहर में कुछ इस तरह से। अगर हम इस साइड में देखेंगे है ना, ऐसा ही आ जाएगा निगेटिव ऑफ आर पे है ना। अगर हम उल्टा ग्राफ देखें, क्योंकि वेक्टर है तो हमें थोड़ा निगेटिव को भी कंसीडर करना पड़ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में जी एम बाय आर स्क्वायर सरफेस पर, माइनस में जी एम बाय आर का स्क्वायर, बाहर में वन बाय आर स्क्वायर की तरह वेरी करता है ना। चलो ठीक है, कॉपी करो, फिर बात करते हैं कंप्लीट सॉलिड स्फेयर के बारे में। इस बार है हमारे पास कंप्लीट सॉलिड स्फेरिकल मास है, जिसका फिर वही सवाल आएगा कहाँ पर, अंदर में एक सरफेस पर कि बाहर में। सबसे पहले हम बाहर से बात करते हैं, जी आउटसाइड का है ना, इसमें हम बात कर रहे हैं जी आउटसाइड है बात कर रहे हैं, तो जी आउटसाइड मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से तक का डिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल आर मान लेते हैं, तो जी आउटसाइड क्या हो जाएगा, जी टोटल मास, फिर से ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा यहाँ पर, एम बाई आर का स्क्वायर, कितना आसान है। जी एट सरफेस, सरफेस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस का वैल्यू आर ले लेंगे, तो जी एम बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, अंदर में क्या जीरो होगा, इसी पर तो सवाल है। जी इनसाइड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना आप, जी अंदर की तरफ बात करते हैं, ये समझ में आ गया ना, इसको यहाँ से आता है कॉपी कर लेना, फिर दूसरा पिक्चर बनाना है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब हमको निकालना है यहाँ पर है ना, इस छोटे से पॉइंट पर बात कर, फिर से हम बना ही देते हैं बड़ा सा ऐसे, पूरा का पूरा रेडियस आर हो गया, टोटल मास एम हो गया, हमको यहाँ पर निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो क्या बताए थे, जहाँ पर निकालना होगा वहाँ पर हम एक ऐसे स्फेयर एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पर हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसके अंदर में तो मास है, कितना है ये निकाल लेते हैं, इसका मास को हम बोल एम डैश, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, सॉरी डेंसिटी अगर इसका कांस्टेंट है, तो डेंसिटी रो क्या होता है,
कंप्लीट मास बाय कंप्लीट वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब, है ना। उसी तरह से हो जाएगा छोटा सा मास बाय छोटा सा वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई, और यहाँ से अतक का डिस्टेंस हम स्मॉल आर का देते हैं आर का क्यूब, पूरा मास बाय पूरा बोल, अगर इसका भी डेंसिटी तो वही लिखेंगे ना एम डैश बाय इतना, तो एम डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। अरे बस समझ में, अगर ये पसंद नहीं आ रहा है इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो एम डैश का वैल्यू हो जाएगा एम आर का होल क्यूब बाय आर का होल का क्यूब। अरे बस समझ में, चलो इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन वही पॉइंट मास का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जी टोटल मास एम डैश बाय यहाँ से तक का डिस्टेंस आर का होल स्क्वायर, जी एम डैश का जगह पे एम आर का क्यूब बाय आर का स्क्वायर इंटू आर का क्यूब, तो जी एम आर बाय आर का क्यूब, आई थिंक दैट्स अ करेक्ट आंसर, है ना, दैट्स अ वेरी इजी, जी इनसाइड आ गया, कोई दिक्कत है। और अगर हम जी एट सेंटर पर बात करें, सेंटर पर आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अरे बस समझ में, यहां तक समझ में आ गया, चलो इसे ग्राफ खींचते हैं, इस वाले का ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसा आ जाएगा इसका ग्राफ। एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करना है कि जी जो है इन साइड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, आर पर डिपेंड कर रहा है, जी एम और आर तो कॉन्स्टेंट है, इस पूरे बॉडी का सारे पैरामीटर्स हैं, आर पर ही डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसे ग्राफ खींचूं यहां पर, तो हम बोलेंगे सेंटर पर जीरो है, आर पे अगेन अगर के मैक्सिमम हो चुका है, जी एम बाय आर का स्क्वायर हो चुका है, लिनियरली वेरी किया था स्ट्रेट लाइन कर्व, और उसके बाद वन बाय आर स्क्वायर के हिसाब से घट गया। सिमिलरली इधर भी लिनियर, ये हो गया जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इतना देखते हैं और फिर अभी और चीजें हैं। अभी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, अर्थ के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये टोटल मास है अर्थ का, हम जिसको कह देते हैं मास, है ना, कैपिटल एम ही रख देते हैं, झूठ का क्यों दिमाग लगाना है फालतू के नोटेशन पे। आर है, हम कहाँ कहाँ निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अभी जो हम आज हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये है नॉर्थ पोल, इधर हो गया हमारा साउथ पोल, एकदम पोल पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैंने मास को यहाँ पर रखा, एक सेकेंड हो सकता है यहाँ पर रखा और एक डी डेप्थ अंदर में रख दिया, तो पहले हम बात कर रहे हैं सरफेस से एच हाइट पर, है ना, यहाँ पर मैंने एक एम मास रख दिया हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर बोले मास रखे वहाँ पर क्या बोले थे, एक स्फेयर बना लो, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास आर प्लस में एच, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के जगह पे जी आउटसाइड, है ना, यही ना देखे थे कितना आ जाएगा, जी आउटसाइड का वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर, जी मास बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर प्लस में एच का होल स्क्वायर। इस चीज को हम ऊपर भेज सकते हैं, तो जी एम बाय एक सेकेंड, ऐसे नहीं करते हैं, यहां से हम आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, तो जी एम बाय, अगर हम आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस में एच बाय आर का होल स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यहां से जाएगा जी एम बाय आर का स्क्वायर, क्यों निकाल रहे हैं समझ में आ जाएगा, वन प्लस में एच बाय आर पर पावर माइनस में टू, ये नीचे में दो था ऊपर चला गया माइनस टू, फ्रॉम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम इस चीज़ को नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जी एम बाय आर का स्क्वायर वन माइनस में टू एच बाई आर, है ना। और ये चीज़ जो है क्या है, अर्थ के सरफेस पर, अभी दिखा लेते हैं, एट सरफेस, जी एट सरफेस क्या हो जाएगा, जी बराबर जी टोटल मास बाय डिस्टेंस आर का स्क्वायर, है ना। तो जी एट सरफेस कितना आ गया, एन हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं जी वन माइनस में टू एच बाय आर, और जिसका वैल्यू हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है,
इसमें से जी में से कुछ घटते जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, वो हमने अभी पीछे भी देखा ही था। अरे बस समझे। और जी अगर हम इन साइड के बारे में बात करेंगे अभी, है ना, जी इन साइड के बारे में बात करेंगे तो जी इन साइड क्या हो जाएगा, जी एम है ना, यहां से यहां तक का डी डिस्टेंस ले लेंगे, है ना। तो थोड़ा यहां से यहां तक पहले इरेज कर लेते हैं, यहां तक हो गया ना सबका, ज्यादा तेज पढ़ा दिया क्या, मैं भी थक गया, थकना नहीं है रे बाबा जीने, गाना गाते हैं, नहीं गाना नहीं है, चलो ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है, ठीक है। एक ही चीज़ तो बार बार रो धो करके पढ़ना है, तो जी इन साइड, तो जी इन साइड क्या हो जाएगा, जी और हम अंदर में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हम इस सबको इरेज ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, डी पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब मास रख दिए हुए तो यहाँ से हम स्फीयर बना देंगे और फिर उसी तरह से हम एम डैश ले लेंगे, तो यहाँ से तक डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस में डी, क्या है ना, यहाँ से तक आर माइनस में, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये हो गया आर माइनस में डी। उसी तरह से बोलेंगे टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब बराबर टोटल मास बाय इस वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू आर माइनस में डी का होल क्यूब। टिक 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 कैंसिल आउट, एम डैश का वैल्यू आ गया इतना, जी एम डैश बाय आर माइनस में डी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस में डी का होल स्क्वायर। तो जी एम डैश की जगह पर लिख देते हैं एम आर माइनस में डी का होल स्क्वायर सॉरी क्यूब बाय आर माइनस में डी का होल स्क्वायर इंटू आर का होल क्यूब। तो यहाँ से देखने के बाद ये दो से तीन तो गया, टिक 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 टिक, जी एम भाई यहाँ से हम r का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर में r माइनस में d है और एक r साथ में रख दिए, तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल g 1 माइनस में d बाय r g इन साइड। और g एट सेंटर अगर हम देखें इस पूरे कहानी में, तो d का वैल्यू r के बराबर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं दैट्स अ वेरी इजी, हम सेम चीज हमने किया है, बट बुक ज़्यादा प्रीफर करते हैं इस वाले को, पीछे वाले को नहीं प्रीफर करते, ठीक है, हम मतलब बुक करते या नहीं करते पता नहीं, जो भी है ना एनसीईआरटी में ये वाला दिया हुआ है, वो पिछला वाला नहीं दिया हुआ है। आज हम लोगों ने पोल पर देखा कि 9.8 होता है, ऊपर जाके भी घटता है और नीचे भी घटता है, किस तरह से घटता है वो भी हम लोगों ने देख लिया, है ना, ऐसे नहीं घटता है, ये पहले बढ़ा सेंटर से ऊपर की तरफ लिनियरली, फिर ये घटना स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, अरे बस समझ में, तो ये 1/r² के हिसाब से घटना स्टार्ट होता है इस तरह से। कल हम लोग देखेंगे अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि अर्थ तो घूमता भी अपने एक्सिस पर, इसलिए हम पहले आज जो बताएं वो पोल पर बताएं, पोल पर ये सारी चीजें इधर नहीं है, ओके। तो कल हम लोग देखेंगे पोल के थोड़ा बियॉन्ड चीजों को और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी खत्म, है ना, तो अभी और भी हो सकता है, चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, ओके।